चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम ये बात करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में से, क्या परीक्षा में पढ़ जाना पाप है और परीक्षा 8 कारणों से आती है और उन 8 कारणों पर चर्चा करेंगे, और परीक्षा क्यों आती है वो जो हैं कारण उन पर भी हम लोग आज प्रभु के वचन में से देखेंगे। सो परमेश्वर के लोगों, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि परीक्षा में पड़ जाना पाप नहीं, परीक्षा में गिर जाना पाप है। अगर आपके ऊपर कोई परीक्षा आ गई तो ये पाप नहीं है, आप परीक्षा में पड़े हैं तो कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप परीक्षा में गिर गए, परीक्षा में फेल हो गए तो पाप है। आप परीक्षा का शब्द ही ऐसा है, जब हम लोग और बच्चे लोग जो स्कूल में जाते हैं, परीक्षा आने वाली होती है, परीक्षा शुरुआत होती है, उनका क्या हाल होता है? निढाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परीक्षा तो कई बार परीक्षा आती है और परीक्षा में गिरना पाप है, परीक्षा आना पाप नहीं है। स्वयं हम लोग उन 8 कारणों को हम लोग देखेंगे जिनके कारण परीक्षा आती है। उनमें से पहला कारण, परमेश्वर की ओर से भी परीक्षा आती है। हालांकि यकूब की पत्री में लिखा हुआ है 1 अध्याय में कि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करते, बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करते, लेकिन यह भी सत्य है कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से आती है। जैसे उत्पत्ति 22 अध्याय 1 और 2 वचन हमें बताता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा हां देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उससे को एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने परीक्षा की, साफ लिखा है यहां पर, और वो अपने बेटे को लेकर 3 दिन का रास्ता था मोरिया पहाड़ पर चला गया। आपने वचन पढ़ा ही है, परमेश्वर ने जब वो बलिदान करने लगा परमेश्वर मना कर दिया, नहीं नहीं मैं देख रहा था तेरे प्रेम को और इस बच्चे को कुछ ना कहे, वो सारी घटना आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की ओर से भी कई बार परीक्षा आती है। और दूसरा जो कारण है परीक्षा क्यों आती है वो है मत्ती 4 अध्याय 1 वचन, तब उस समय आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। शैतान के द्वारा भी परीक्षा आती है। पहला कारण परमेश्वर के द्वारा परीक्षा आई, दूसरा कारण हम लोगों ने देखा शैतान के द्वारा परीक्षा हुई। देखो आदम की परीक्षा हुई थी पहला इंसान की, और प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी मत्ती 4 अध्याय। इसका मतलब आपकी भी परीक्षा हो सकती है। तो पहला परमेश्वर के द्वारा हम लोगों ने देखा, और दूसरा हम लोगों ने देखा शैतान के द्वारा भी परीक्षा हुई, और तीसरा हम लोग देखते हैं शारीरिक अभिलाषा के द्वारा परीक्षा, शारीरिक अभिलाषा के द्वारा परीक्षा। यकूब 1 अध्याय और उसका 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहां लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, यानी कि शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा के कारण परीक्षा में फंस जाता है। और चौथी बात है दुष्ट मित्रों के द्वारा भी परीक्षा आती है। दुष्ट मित्र दोस्त होते हैं कि ऐसे, कैसे? नीति वचन 1 अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा हुआ है,
हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल के हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में रहें, और आगे सारा वचन लिखा हुआ है आप जानते हैं, तो उनके उनकी बात मत सुनना। जानने कि जब पापी लोग फुसलाएं, अगर आप पापी मित्र जो हैं वही फुसलाएंगे, दुश्मन तो फुसलाएंगे नहीं आपके पास आकर, आपके मित्र ही आपको कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता ऐसा कर ले, अरे कुछ नहीं होता एक बार ऐसा कर ले, अरे कुछ नहीं होता एक बार आज्ञा का उल्लंघन कर ले। तो ऐसे करके जो पापी मित्र हैं वो भी परीक्षा में हमें धकेल देते हैं। और पांचवी बात है कि मसीह मित्रों के द्वारा भी परीक्षा आती है। आप हैरान होंगे ऐसा कैसे होता है। हाँ, अगर दुष्ट मित्रों के द्वारा परीक्षा आती है तो मसीही मित्रों के द्वारा भी परीक्षा आती है। कैसे? मत्ती 16 अध्याय उसका 22 और 23 वचन हम लोग पढ़ते हैं। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह कहा था कि मैं क्रूस पे चढ़ा दिया जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तब पत्रस उसे अलग ले गया और लिखा है, इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसे ऐसा कभी ना होगा, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। तब प्रभु यीशु मसीह समझ गए इस बात को कि ये मेरा मित्र है और ये धर्मी मित्र है और इसके द्वारा परीक्षा मुझे आ रही है। प्रभु यीशु ने फिरकर पत्रस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यह साफ लिखा, प्रभु यीशु ने कहा तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तो ऐसे कई मसीह मित्र भी होते हैं जो ठोकर का कारण होते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों पर चित्त लगाते हैं। मैं आपको एक बात छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे एक बहुत बड़ा क्रूसेड रखा था हम लोगों ने, तकरीबन 10-12 हज़ार लोग उसमें आए थे, और ये राजस्थान में गंगानगर में इतने लोगों को इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर हम लोग जब आराधना करने वाले थे, तो जो हमारे स्टेज का सेक्रेटरी था बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्रेम करता था, मेरी बहुत आज्ञा का पालन करता था, और सब गीत गाए गए। जब आराधना की बारी आई तो मैंने कहा मैं आराधना करवाता हूँ। तब उसने मुझे एक बात कही, मुझे कहते नहीं 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 आप आराधना ना कराओ, आप तो राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, आप सिर्फ प्रचार प्रचार करना, आप ना कराओ। एकदम आत्मा ने मुझे कहा नहीं, ये एक परीक्षा है, इसको इसकी बात को नहीं सुनना, ये मतलब परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर ये मन लगाने के लिए कह रहा है। तब मैंने उसे हटाया और मैंने आराधना करनी शुरू की। जैसे ही आराधना शुरू की, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि उसी दिन 3 जो गूंगे थे, जन्म के गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे, एक दिन उसी समय बोलने लग गए, और जो 4 लोग ऐसे थे जो देख नहीं सकते थे और एकदम वो देखने लग गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ बड़ा चमत्कार किया और मुझे भी आत्मा में शांति हुई, लोगों ने भी बहुत पवित्र आत्मा में अभिषेक पाया। सो इसलिए कई बार मसीह मित्र भी आपको बीच में कोई ऐसी बातें करते हैं, उनके द्वारा भी परीक्षा आती है। और छठी बात, कई बार जब अमीरी आती है, पैसा ज़्यादा आ जाता है तो भी परीक्षा आती है। अमीरी में पैसा ज़्यादा आने के कारण भी परीक्षा आती है। नीति वचन 30:9 कहता है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। यानी कि बहुत बार मैंने देखा है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास पैसा आया और वो परीक्षा में फंस गए, परमेश्वर से दूर हो गए। और अगली बात कि गरीबी के कारण भी परीक्षा आती है, गरीबी के कारण भी परीक्षा आ जाती है कई बार क्या बहुत बार आ जाती है। और नीति वचन 30:9 में ही लिखा है,
ऐसा ना हो कि अपना भाग होकर मैं चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। कई बार मैंने देखा है बेचारे, कई बेचार गरीब होते हैं, ज़्यादा गरीबी के कारण भी उन पर वो परीक्षा में फंस जाते हैं, परीक्षा में फंस जाते हैं और विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं। सुप्रभु के लोगों, अमीरी के कारण भी, गरीबी के कारण भी, मसीह मित्रों के द्वारा भी, दुष्ट मित्रों के द्वारा भी। और आठवीं बात और अंतिम बात, दुष्ट लोगों के धन संपत्ति की बढ़ोतरी के देखकर भी परीक्षा में फंस जाते हैं। जब दुष्ट लोग बढ़ते फूलते हैं, फलते हैं, तो मसीह लोग बेचारे उसको देखते हैं और उसको देखते हैं जब, अरे ये तो बढ़ रहा है, फूल रहा है, और फिर वो भी परीक्षा में फंसते हैं। भजन संहिता 73 अध्याय उसका 2 हम लोग जो पढ़ते हैं, लिखा है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, यानी कि मैं परीक्षा में गिरने ही वाला था, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन गुमंडियों के विषय डा करता था। दुष्टों का जब कुशल देखता था तो डा करता था, अरे क्या क्या डा करता था, 4 क्योंकि उनको मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इसका अहंकार उनके गले का हार बना है, उसका ओढ़ना उपद्रव से भरा है, उनकी आंखें चर्बी से जलती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे ढींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, रहते तो पृथ्वी पर हैं और बोलते बातें ऐसे करते जैसे स्वर्ग में बैठे हों। 12 देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम में रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। ये पापी लोग तो भट रहे हैं, फट रहे, फूर रहे हैं और मैं ऐसे हो रहा हूँ। वैसे इन कारणों से भी परीक्षा आती है। ये 8 कारण हैं जिनके कारण परीक्षा आती है, और परीक्षा आती किस लिए है? पहली बात, परीक्षा आती है हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए। यकूब 1:2-3 हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। लेकिन जब परीक्षा आए तो आनंद करो। कौन सी परीक्षा में आनंद करना है? अगर परमेश्वर की ओर से आ रही है तो, अगर आप पाप के कारण ही खुद परीक्षा में फंस रहे हैं जानबूझकर, तो उसमें आनंद वाली बात नहीं है, वो तो आप जानबूझकर फंस रहे हैं ना? लेकिन यहां जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा आती है उसकी बात हो रही है। दूसरियां जो परीक्षाएं हैं उसके लिए हमें सावधान रहना है और प्रभु से विनती करनी है। लेकिन जो अगर परमेश्वर की ओर से आ रही है तो आनंद की बात समझें, ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, यानी कि आपके विश्वास को परखे जाने के लिए भी परीक्षा होती है। और दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 8:2 और स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। व्यवस्था विवरण 8:2 इसलिए परीक्षा आती है कि परमेश्वर क्या आप आज्ञा पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। साफ लिखा है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, व्यवस्था विवरण 8:2 स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं करेगा। और व्यवस्था विवरण 8:16 और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे, तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। पहली बात,
हमारी विश्वास के परख के कारण आ रही है परीक्षा, दूसरा हमारी आज्ञाकारी की परख हो रही है ना? हम आज्ञाकार बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। सो इसलिए निराश ना हो, मैं आपको एक अंतिम वचन बताता हूँ, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा नहीं आएगी, और परमेश्वर ऐसा अरेंज भी करेगा कि आप परीक्षा को सह सको, और उस परीक्षा के बाहर निकालने का रास्ता भी परमेश्वर आपको मुहैया कराएंगे। इसलिए हमें परीक्षा में, अगर परीक्षा हो तो उसे क्लियर करें, पास करें। और तीसरी बात कि परीक्षा इसलिए आती है ताकि आप अगले स्तर पर पहुंच जाएं, ऊंचाइयों पर जाएं, परमेश्वर और ज़्यादा आपको ऊंचा करे, आपकी बढ़ोतरी हो, अगली क्लास में जाने के लिए, 9th में है 10th में जाने के लिए, 9वीं में है 10वीं में जाने के लिए, परीक्षा पास करते हैं आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए इन 8 कारणों के अलावा भी कोई अगर कारण हों तो हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन 8 बातों को बताया है जिनके कारण जो परीक्षा आती है, पंजाबी में कहते हैं परतावा आता है, इन कारणों के कारण परतावा आता है। परतावे में पैना पाप नहीं, परतावे च गिर जाना पाप है। सो परमेश्वर आपकी मदद करे, आपको परीक्षा में से बाहर निकाल ले, आपके साथ रहे और आपकी रक्षा करे। आशीर्वाद देता हूँ परमेश्वर मसीह के नाम से, आमीन आमीन।